हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम भारतीय लोगों को मिर्ची कितनी ज़्यादा पसंद होती है, वो फिर अचार के रूप में हो तो सोने में सुहागा हो जाता है। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राई वाली पानी की मिर्च का अचार। इसके लिए मिर्च को अच्छे से धो लेंगे, पानी में एक उबाल आने तक गर्म करेंगे। अब बर्तन पर ढक्कन लगा देंगे। पानी में एक उबाल आ गया है, अब सारी मिर्ची इसमें डाल देंगे। ध्यान रहे, मिर्ची उबालने से पहले कट नहीं लगाना है। आप इंग्रेडिएंट की लिस्ट कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। मिर्ची को चम्मच से प्रेस करते हुए पूरा पानी में डुबाएंगे। मिर्ची पानी में पूरा डूब चुकी है, अब इसे पकाएंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे, 5-6 उबाल आने देंगे। मिर्ची को जारे से निकाल लेंगे। मिर्ची को ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, मिर्ची ठंडी होने के बाद पक चुकी है। ध्यान रहे, मिर्ची को ज़्यादा नहीं पकाना है। मिर्ची को एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। ध्यान रहे, मिर्ची में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मिर्च के ऊपर वाला भाग को हटाएंगे। मिर्च के बीच में एक लंबा कट लगाकर मिर्च के 3 टुकड़े करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। देखिए, मिर्च को इस तरह से कट करेंगे। सारी मिर्ची को मैंने 3 टुकड़ों में कट कर लिया है। अब बर्तन में एक उबाल आने तक पानी को गर्म होने देंगे। पानी में उबाल आ गया है, फ्लेम को बंद कर देंगे। अब पानी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। पानी में नमक, लाल मिर्च पाउडर, पिसी हुई राई, अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो नींबू का रस ऐड कर सकते हैं, हींग डालकर अच्छे से मिलाएंगे। अब पानी में मिर्ची के टुकड़े डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। तैयार है राई मिर्ची का अचार। इस मिर्ची को आप 10 दिन तक रख सकते हैं।